बार मिखिराज और आपका एक बार फिर से स्वागत है जीएफ कंप्यूटर सोल्यूशन में। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि झारखंड कर्मचारी आयोग यानी कि जेएसएससी के द्वारा पंचायत सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ था तीन चरणों में 2017 का एग्ज़ाम था, वो तो तीन स्टेप में एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट 23 फरवरी को आ चुका है और उस रिजल्ट में करीब करीब जो है वो करीब करीब 7000 स्टूडेंटों का नाम आया हुआ है लिस्ट में। तो दोस्तों जिनका नाम उस लिस्ट में आया हुआ है वो तो खुश होंगे और जिनका नाम नहीं आया हुआ है वो उदास होंगे। तो दोस्तों आपको उदास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट नहीं है, इसके बाद सेकेंड पेज भी जल्द ही आने वाला है, तो आप सेकेंड लिस्ट के लिए तैयार रहें, कहीं आपका नाम सेकेंड लिस्ट में ना आ जाए। आप ऐसा भी नहीं हो कि आपने आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया और आपने तैयारी नहीं करी और पता चला कि सेकेंड लिस्ट में नाम आया और तैयारी करने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि तैयारी करने के लिए फर्स्ट लिस्ट में जो है वो मात्र 15 से 20 दिन का टाइम दिया गया है। तो आपका भी नाम जब लिस्ट में आएगा तो आपको भी 15 से 20 दिन का ही वक्त दिया जाएगा तैयारी करने के लिए, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लिस्ट है ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आया हुआ है और कट ऑफ जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो मार्क्स आया हुआ है उस मार्क्स के आधार पे जो ये है फर्स्ट लिस्ट बना है। इस लिस्ट का जब कंप्यूटर ज्ञान का जो टेस्ट होने वाला है और कंप्यूटर टंकन का, इस टेस्ट के बाद जितने क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद जिन भी रिक्तियाँ जो बच जाएगी उन रिक्तियों के लिए जेएसएससी के द्वारा सेकेंड लिस्ट के लिए भी ऑप्शन है, यानी कि सेकेंड लिस्ट आना ही आना है। तो दोस्तों आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं यानी कि जिसका नाम इस लिस्ट में अभी है, उन भाई लोग के लिए ये वीडियो खास करके है। तो अभी ये वीडियो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आने वाला जो टेस्ट होगा उनका कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर का, ये थोड़ा सा टफ होने वाला है इस बार, क्योंकि जो कंप्यूटर लेवल का जो टंकन है यानी कि हिंदी टाइपिंग, ये आपका 25 वर्ड करना है पर मिनट और इसमें जो गलतियां होगी वो मात्र 2% तक मान्य होगी। आपने अगर 2% से ज़्यादा गलती की तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको तैयारी करना होगा, आपके पास बहुत कम समय बचा होगा तैयारी करने के लिए। इसी में ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आपके लिए जो नेक्स्ट क्लास जो होगा मेरा, यानी कि नेक्स्ट लेसन वीडियो लेके मैं आऊँगा, वो जेएसएससी पंचायत सचिव के लिए ही होगा खास करके, और खास वीडियो होगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ईमेल से रिलेटेड और आपका हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको वर्ड का, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल और हिंदी टाइपिंग में आपको आपके एग्जाम से पहले उसकी पूरी तरह से तैयारी करवा दूं। दोस्तों तो ये वीडियो बनाने का ये मेरा खास रीजन है कि मैं चाहता था कि ये जानकारी मैं आप लोग को पहले दूँ। तो दोस्तों जो लोग उदास है कि उनका नाम जो है फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया है, तो दोस्तों उनके लिए भी ये वीडियो खास होगा क्योंकि सेकेंड लिस्ट में उनका नाम जरूर से ज़रूर आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि जो मेरा लेसन स्टार्ट होने वाला है कल से उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आपको सबसे पहले मिले और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि अगर आप सफल होना चाहते हैं जेएसएससी कंप्यूटर टंकन और कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में, तो दोस्तों आपको मेरी क्लास अटेंड करनी ही पड़ेगी और आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। दोस्तों जो वीडियो होने वाला है, जो क्लासेस होगा, बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अब क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।